अच्छा जी, तो ये हैं पीपर्स। ये जो है इसके अंदर हमने पहले से ये करना है कि इसके अंदर इसकी एक साइड से इसको अंदर डाल दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मेरा नाम है हमजा और आप देख रहे हैं पीकॉक विला यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा कि एक दफ़ा पहले भी मैंने जिक्र किया था कि जब कम जगह पे ज़्यादा बर्ड्स हों तो उनको आदत पड़ जाती है एक दूसरे के पैर उखाड़ के खाने की, तो उससे बड़ा जो है ना मसला पैदा होता है कि उनकी वो गर्दनें नंगी हो जाती हैं और बैक साइड सारे पैर जो हैं उतर जाते हैं और ब्लीडिंग भी होती है। तो वो बड़े मतलब मसले वाली, वो फिर आदत पक्की भी हो जाती है। तो आज उसका हल करने के लिए जो हम करने लगे हैं वो सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। पीपर्स कहते हैं इनको, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बर्ड के नाक पे पहना देते हैं और ये देखें, ये जो है इससे क्या होता है, ये बर्ड के नाक के ऊपर ना इतना से लग जाता है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि बर्ड को बिल्कुल सामने नज़र नहीं आता, वो मतलब कह लें कि अपना टारगेट नहीं सेट कर पाता कि ये जो पर मुझे नज़र आ रहा है इसको मैंने तोड़ना और खाना है। तो वो साइड से देख सकता है स्टिल ये लगने के बावजूद, और फीड और पानी सारा कुछ चलता रहता है, सिर्फ वो जो उखाड़ने वाला एक टारगेट करके एक चीज़ को उखाड़ना है ना वो काम नहीं होता। तो उससे हमारा जो मसला है ना वो भी मतलब हल हो जाता है। तो आज वो प्रोसेस सारा शेयर करेंगे। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ ज़रा फोकस करके कि ये किस तरह की हैं और ये कहाँ से मैंने सोर्स की हैं, ये कितने में आती हैं और आप किस तरह से अपने बर्ड्स को लगा के इस मसले को हल कर सकते हैं। क्योंकि बर्ड्स के जो फैदर हैं वो तो नए आ ही जाते हैं, मतलब जो बर्ड्स के पर जो हैं उखड़ गए हैं, ये जैसे आपको पीछे वीडियो में नज़र आ रहे हैं बर्ड, इनके सबके पर उखड़े हुए हैं, तो वो पर दोबारा से नए आ जाने हैं। लेकिन अगर बर्ड खाते रहेंगे खाते रहेंगे फिर तो वो जो नए आएंगे वो भी इसी तरह उतर रहेंगे। तो जब ये लगा देते हैं फिर वो मज़ीद नहीं खा पाएंगे और एक दो महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल उनके पर भी नए आ जाते हैं और फिर आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि तब तक उनकी आदत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो भी वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको सारा प्रोसेस जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हैं पीपर्स, इनको बोलते हैं जी पीपर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ये प्लास्टिक है जो लगनी है और उसके साथ ये पिन आती है। इस पिन को जो है बर्ड के नाक की एक साइड से अंदर घुसा के दूसरी साइड से बाहर निकालते हैं और ये जो आपको होल्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, इनमें से ये बाहर निकल आती है और फिर ये अपनी जगह पे मतलब सेट हो जाती है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यार ये मोबाइल पकड़ना ज़रा यहीं पर। तो ये जो है इसके अंदर हमने पहले से ये करना है कि इसके अंदर इसकी एक साइड से इसको अंदर डाल देना इस तरह से, ठीक है। अब ये चला गया। अब ये जो साइड है इसकी, ये उसके नाक में से गुजार के दूसरी साइड से बाहर निकलेगी, फिर इस होल के अंदर फंसा के ऐसे हमने इसको लॉक कर देना। तो वो अब हम बर्ड्स को पकड़ते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से मतलब। तो ये जी अभी नर्स साहब पकड़ने लगे हैं। आज हमने कोशिश करनी है कि ये सारे बर्ड्स को पकड़ के ना ये काम ख़त्म करें। तो फड़ो जी जड़ा हाथों अंदर लाओ। एक तो बाहर लिया के करो ना, जरा लाइट अच्छी आ जाए दिखा दीजिए। ये आपने ना तरीका चेक करना है नासिर साहब के पकड़ने का बस। ये देखिए ये एक हाथ आ गया, ठीक है, बाहर ले आओ उन्होंने जी। अच्छा जी पहले तो मुझसे देख रहे हैं, ये देखें ये इसकी गर्दन पे अब जख्म हो चुका है बाकायदा, पर उखाड़े उन्होंने और पर उतर उतर के अब यहाँ से ज़ख्म हो गया, तो ब्लीडिंग भी हो रही। ये सारे जो मसले हैं इनकी वजह से ये हमें मजबूरन ये करना पड़ता है। तो ये देखें एक इसकी इस पर ज़रा गौर करें, ये जो ऊपर की तरफ बड़ा हुआ है ये ही साइड आपने ऊपर रखनी, मतलब ये इसके नाक पे इस तरह से लगनी है, इस तरह से नहीं लगानी, ठीक है, इस तरह से लगनी है ये। अब जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि वो पिन जो है वो हमने अंदर से गुजार ली है। यार ये फोकस करो ज़रा, हाँ, तो ये पिन जैसे अंदर से हमने गुजार लिया ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पहले तो इसके हेड को हमने ज़रा ज़ोर से पकड़ना है ताकि कोई मज़ीद इंजरी ना हो, ठीक है। तो वो पकड़ने के बाद ये पिन को यहाँ पर रख के दूसरी तरफ मैंने अपना अंगूठा रखा हुआ है, तो इसको बस प्रेस करना है और ये देखें ये दूसरी साइड से बाहर निकला है। अब इसको घुमा के यहाँ पर सेट करके अब इस पिन को मैं थोड़ा सा प्रेस करके इसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। नहीं जी हो गया। अब ज़रा यार करीब करके ना फोकस करो इसके ऊपर। अब ये देख रहे हैं ये एरो, ये जो ये साइड है इसको आपने ऊपर की तरफ रखना है, मतलब इसको घुमा के हम नीचे की तरफ भी कर सकते हैं लेकिन उससे ये ऐसे गिरी रहेंगी, ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएंगी। यहाँ पे अगर रहेगा तो ये अपनी जगह पे जो है बिल्कुल सेट रहेगी। तो इस तरह से ये अब लग गया।
अब ये थोड़ी देर जाहिर है, डेफिनेट बात है कि बर्ड थोड़ा स्ट्रेस में भी रहेंगे और उनको उलझन भी होगी, वो ख़ारिज करने की कोशिश करेंगे इसको उतारने की, लेकिन वो एक दो दिन में उनकी आदत ठीक हो, इनको आदत हो जाती है और फिर मसला नहीं बनता। ठीक है, बस इसको वापस अब छोड़ते हैं, इसके हम देख लें बस। ठीक है, ये जी तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट में हमने कोई 70 बर्ड्स के लगा लिए हैं। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि सारे बर्ड्स को ना पीपर्स लग चुके हैं। तो अभी ये थोड़े से इनमें मतलब वो एबनॉर्मलिटी आएगी इनकी मूवमेंट्स में, कभी ये पीछे चलेंगे, कभी ये ख़ारिश करेंगे, जैसे ये चूजा भी ख़ारिश कर रहा है, और कभी अपनी गर्दन को झटका देंगे। लेकिन ये इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने पहले ये नहीं किया कि फ़ौरन से सारे बर्ड्स को लगा दिए, कभी भी कुछ नई चीज़ ट्राई करनी हो तो बेहतर यही होता है कि आप पहले थोड़े से बर्ड्स पे ट्राई करें। तो मैंने 10-1 बर्ड्स के कल लगाई थी और वो बर्ड्स अलहदा थे, यहाँ पे इनके साथ नहीं है, तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे हैं। वो बर्ड्स का मतलब आज वो नॉर्मल हो गए हैं, एक दिन बाद ही वो नॉर्मल हो गए हैं, खा पी रहे हैं और कोई मतलब वो इस तरह से बार बार ख़ारिश नहीं कर रहे, ना उछल कूद कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा बर्ड्स पर जो है ये लगाए हैं। तो इनको पीपर्स भी बोलते हैं, मतलब सही नाम इनका पीपर्स ही है, चिकन पीपर्स लिख के आप सर्च करें गूगल पे तो ये आ जाएंगे। और यहाँ पे आप अगर मार्केट में पता करें तो शायद इनको लोग ब्लाइंडर के नाम से जानते हो, तो आप दोनों नाम ट्राई कर सकते हैं जिस तरह से आपको सोर्स हो जाए। तो ये दराज पर और ऑनलाइन मतलब बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल है, क्योंकि मुर्गियों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप कहीं से मंगवा सकते हैं। अब इनकी कीमत जो है, मैंने मंगवाए हैं ये 100 पीस, और 100 पीस मुझे पड़े हैं 2000 में, तो उस हिसाब से ज़्यादा मंगवाएंगे तो कीमत कम हो जाती है, अगर कम लेंगे तो कीमत ज़्यादा होगी, ये मेरा अंदाज़ा है। बाकी आप जहाँ से भी पता करेंगे, चेक करेंगे, आपको आइडिया तो हो ही जाएगा। तो ये करने के बाद अब इंशाल्लाह ताला ये है कि महीने डेढ़ में ये बर्ड्स की जिस तरह से ये आपको स्किन नज़र आ रही है, ये जितने की पर जो हैं ख़राब हुए हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो अभी 2 दिन हो चुके हैं इनको ये पीपर्स लगाए हुए, तो आज आप देख सकते हैं कि बर्ड्स बिल्कुल भी नॉर्मल हैं, उन्हें कोई मतलब टेंशन नहीं है कि ये क्या लगा हुआ, अब उन्हें आदत हो चुकी है और बस वो नॉर्मल खा पी रहे हैं, फीड भी खा रहे हैं और सारी इनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं सारी उससे से चल रही है। बस वो जिस दिन लगाते हैं उसके बाद कुछ 24 घंटे, 1 दिन या 1.5 दिन इनको थोड़ी सी मतलब इरीटेशन होती है, वो डेफिनेट बात है, वो होनी भी चाहिए, तो लेकिन बाद में इनको आदत हो जाती है। तो ये बर्ड्स अब बिल्कुल नॉर्मल हैं, किसी भी किस्म के स्ट्रेस में ये नहीं है। तो अगर आपके भी बर्ड्स को मतलब इस तरह का इशू हो कि आप वो बर्ड्स पर खा रहे हो एक दूसरे के, बेशक उन्होंने गर्दन से खाए हैं या बैक से खाए हैं, तो आप इस तरह से पीपर्स यूज़ करके उस मसले का हल जो है वो कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि फीडर्स ये जो होते हैं, ये जितने भी ये मतलब उखाड़ देते हैं वो दोबारा नए ज़रूर आ जाते हैं, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती कि यार पर उतर गए तो आप बर्ड पता नहीं दोबारा आएंगे कि नहीं, जैसे ये आपको ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पर नए निकल आने, बस हमने क्योंकि पीपर्स लगा के अब रोक दिए हैं इनको इस हरकत से, तब जो नए पर आएंगे वो ये खा नहीं सकेंगे और इस तरह से सारे बर्ड्स के जो हैं वो पर कम्प्लीट हो जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।